बीएससी सेकंड ईयर बोर्ड ने पेपर सेकंड, इसमें इकोनॉमिक बोर्ड ने पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक बोर्ड में हम पढ़ रहे थे पीछे, तो औषधीय प्लांट अब हैं मसाले और गरम मसाले। तो इसमें सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। सामान्य रूप से शुष्क व कड़े पादप पदार्थ जिनमें सहगंध तेल उपस्थित हो मसाले कहलाते हैं, तथा जिनका प्रयोग चूर्ण रूप में किया जाता है मसाले कहलाते हैं। तो बोटनी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बीएससी बोटनी और नेक्स्ट आगे जूलॉजी के लिए सबसे पहले मसाला हम देख रहे हैं अदरक, गिंगर बोलते हैं इसको। एग्जाम में पूछते हैं इसका वानस्पतिक नाम जिंजिबर ऑफिसिनल, कुल जिंजिबरेसी, ये एक बीजपत्री है। उपयोगी पादप भाग पूछते हैं, भूमिगत रूपांतरित प्रकंद इंग्लिश में राइजोम, प्रकंद या स्तंभ, प्रकंद स्तंभ इसका उपयोगी पादप भाग है। आगे फिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये पूछा जाता है एग्जाम में। उपयोग पूछते हैं इसके, जैसे उत्पत्ति और वितरण है, पादप है और कृषि है, कैसे होते हैं ये नहीं पूछा जाता है। उपयोग कहाँ ज़्यादातर उपयोग पूछा जाता है, तो अदरक व सौंठ मुख्यतः मसाले के रूप में प्रयुक्त होते हैं। औषध के रूप में अदरक रक्त शिराओं को प्रसारित करने, स्वेदन बढ़ाने और पाचन शक्ति बढ़ाने तथा वात हर के रूप में प्रयोग की जाती है, और इससे कुछ पेय पदार्थों जैसे जिन का उत्पादन किया जाता है। ये इसका उपयोग हो गया, रक्त शिराओं को प्रसारित करते हैं, स्वेदन बढ़ाते हैं। फिर ज्वर, गले की खराश, कब्ज, श्वास रोगों, मुंह व गले के छालों के उपचार में काम में ली जाती है। यह कई आयुर्वेदिक औषधियों में कब्ज हर तथा तो वात हर चूर्णों का प्रमुख घटक है। इसके बाद है नेक्स्ट हल्दी। हल्दी का वानस्पतिक नाम एग्जाम पूछा गया है, कुरकुरमा, लौंगा, कुल कौन सा है, जिंजीबेरेसी, ये भी एक बीजपत्री है। उपयोगी पादप भाग कौन सा है, भूमिगत रूपांतरित प्रकंद स्तंभ, तो इसको राइजोम भी बोलते हैं इंग्लिश में। उत्पत्ति और वितरण नहीं पूछा जाता एग्जाम में, पादप का नहीं पूछा जाता। उपयोगी पादप भाग हमने देख लिया, भूमिगत रूपांतरित प्रकंद होता है। कृषि ये नहीं पूछी जाती है, इसका उपयोग पूछा जाता है देख लेते हैं। हल्दी प्रमुख मसाले के रूप में उपयोग की जाती है, इसका उपयोग सूती रेशमी तथा ऊनी रेशों को रंगने में किया जाता है। अचार, सब्जियों, मक्खन, पनीर को सुगंधित वह रंजित किया जाता है। हल्दी का चूर्ण रक्त शोधक है तथा इसका प्रयोग बाह्य तथा आंतरिक चोट के उपचार में किया जाता है। हल्दी का प्रयोग त्वचा से संबंधित सौंदर्यवर्धक पदार्थों व त्वचा रोगों में किया जाता है। उपटन व पिट्ठी में हल्दी प्रमुख घटक है। हिंदुओं के कई सामाजिक व धार्मिक उत्सवों में इसे पवित्र पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये दो आज पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लहसुन, गार्लिक देखेंगे, नेक्स्ट मसाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।